बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिसे फैंस बार बार स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, और इन्हीं जोड़ियों में से एक है कैटरीना और अक्षय कुमार की जोड़ी। सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन, वेलकम और हमको दीवाना कर गए जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। आपको बता दें कि आखिरी बार इनकी जोड़ी साल 2010 में आई 30 मार खां में नजर आई थी। इसके बाद फैंस इस जोड़ी को दोबारा देखने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं। तो अक्षय और कैटरीना के फैंस, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल खबर के मुताबिक अक्षय की नई फिल्म सूर्यवंशी में कैटरीना लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ सकती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट पूजा हेगड़े नजर आएंगी, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने इस तरह की खबरों को गलत करार दे दिया। और अब पिंक फिला की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सूर्यवंशी के मेकर्स ने फिल्म के लिए कैटरीना को अप्रोच किया है। एक सूत्र ने इस वेब पोर्टल को जानकारी देते हुए कहा है कि कैटरीना को अक्षय के ऑपोजिट काफी फिल्में मिली, लेकिन कैटरीना को किसी दमदार किरदार की तलाश थी, इसी वजह से उन्होंने हर एक फिल्म को ठुकरा दिया। और सूर्यवंशी में अक्षय एक ATS ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अक्षय की गर्लफ्रेंड और उनकी वाइफ का रोल अदा करेगी, जो उनके किरदार के लिए काफी अहम सपोर्ट भी बनेगा। सूत्र ने आगे बताया कि रोल काफी जबरदस्त है और कैटरीना का नाम इस फिल्म के लिए जल्द ही फाइनल भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर कैटरीना की किस्मत में ये फिल्म आती है या फिर नहीं। वैसे अगर ऐसा होता है तो आप इस फिल्म में कैटरीना और अक्षय की जोड़ी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।